स्काइमेट वेदर रिपोर्ट में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। जम्मू कश्मीर के पास पहुंचे पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर के पहाड़ों पर मौसम में अच्छा बदलाव देखने को मिलेगा। उम्मीद है कि श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, जोजिला पास, लाहौल स्पीति, डलहौजी, केलांग और धर्मशाला सहित जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इन भागों में बदले मौसम के मिजाज से पारा गिरेगा, ट्रैफिक में भी बाधा आने की संभावना है। उत्तराखंड में क्लाउडिंग बढ़ सकती है, तापमान गिरेगा, लेकिन आज बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। मैदानी राज्यों में आज मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन WD के प्रभाव से एक इंड्यूस्ड सर्कुलेशन पाकिस्तान और इसे सटे राजस्थान पर डेवलप हुआ है। इसका असर कल यानी 10 दिसंबर से प्लेन्स के राज्यों में दिखाई देगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, दिल्ली और वेस्ट UP के कुछ हिस्सों में थंडरस्टॉर्म के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद समझिए कि नॉर्थ इंडिया में सर्दी अपने असली रूप में आ सकती है। दिल्ली प्रदूषण आज कुछ बढ़ेगा, लेकिन इसमें कल से कमी आने की उम्मीद है। इस बीच सेंट्रल इंडिया में एक सर्कुलेशन बन गया है और यहां से पहले से बनी एक ट्रफ रेखा और एक्सटेंड होकर MP से केरल तक बन गई है। हमारा अनुमान है कि आज मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, बैतूल, मांडला, छिंदवाड़ा, महाराष्ट्र में नागपुर, चंद्रपुर, अकोला, परभणी और छत्तीसगढ़ में रायपुर तथा जगदलपुर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। दक्षिणी राज्यों में मिनी मॉनसून के कमजोर होने के बाद बारिश की गतिविधियां काफी कम हो गई हैं। आज भी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। हालांकि लंबे इंतजार के बाद 11 दिसंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड के कुछ भागों में बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। स्काइमेट वेदर रिपोर्ट में अभी के लिए इतना ही। ये है ABP News, आपको रखे आगे।